नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको चाल समय दूरी में निष्ठ अगला पाठ पढ़ाऊंगा। और देखिए दोस्तों, ये पाठ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, दो लड़कियां विपरीत दिशाओं यात्रा करती है। पहली वाली को ए से 25 किलोमीटर की चाल से अपने गंतव्य स्थान बी तक पहुंचने में 20 घंटे लगते हैं। दूसरी वाली को बी से पहली वाली से रास्ते में मिलते हुए अपने गंतव्य स्थान ए तक पहुंचने में 25 घंटे लगते हैं। दूसरी वाली लड़की की चाल ज्ञात करें। ये चार ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया दोस्तों आरआरबी जेई 2019 में। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को पहले आपको मेथड वन से बताते हैं, पहले वाले तरीके से आपको बताते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये दूरी, ये जो भी दूरी है, मान लीजिए स्थान ए है दोस्तों साथी, और ये स्थान बी है। यहाँ से जो पहली लड़की निकली है और यहाँ से दूसरी लड़की निकली है, पहली लड़की की चाल क्या दिया गया दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये B1 का मान दिया गया, और T1 का मान कितना दिया गया दोस्तों, T1 का मान आपको दिया गया 20 घंटा। अब देखिए दोस्तों, दूसरी वाली लड़की की चाल नहीं पता है तो B2 मान लेंगे, इसी को ज्ञात करना, और ये टाइम लेती है। T2 का मान कितना दिया गया दोस्तों, 25 घंटा दिया गया है। अब दूरी तो सवाल के अंदर दिया नहीं गया है, दूरी को मान लीजिए दोस्तों डी, दूरी को डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं दोस्तों, डी है। अब बताइए दोस्तों, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। चाल कितना दिया गया है, 25, और टाइम कितना, दूरी क्या, दूरी डी, अब टाइम कितना है दोस्तों, 20। इसका मतलब अगर हम दूरी डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों, इसका इधर ले जाके गुणा कर देंगे तो 500 किलोमीटर आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों, दूरी मिल जाएगी। दूरी निकाले, 500 किलोमीटर आ गया दोस्तों। अब दूसरी वाली देखिए दोस्तों, हमको दूरी पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो दूसरी वाली लड़की की चाल आराम से निकाल लेंगे। तो B2 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 500/25, इसका भाग लगा देंगे दो बार में लगेगा, तो B2 का मान कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त आपको मैथड वन समझ में आ गया होगा, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को आपको मेथड टू से बताते हैं, दूसरे वाले तरीके से बताते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये बेस्ट तरीका है, अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो इस तरीके से सवाल लगाइए, नहीं तो आप मेथड टू लगा सकते हैं। और मेथड टू दोस्तों आपको तभी लगाना है जब दूरी समान दिया रहे, सवाल के अंदर अगर दूरी समान दिया रहेगा तभी मेथड टू का यूज करना है। अब मान लीजिए दोस्तों, कोई लड़की स्थानीय से बी तक आए या बी से कोई ए तक आए, ये दूरी सेम रहेगी, बराबर रहेगी, बदलेगा नहीं, तभी इस फार्मूले का यूज करना है। B1 T1 = B2 T2। अब देखिए दोस्तों, B1 का मान क्या दिया गया है, B1 का मान 25 दिया गया, 25 रख देंगे। T1 का मान 20 दिया गया, 20 रख देंगे। B2 का मान हमको निकालना है और T2 का मान 25 है तो 25 रख देंगे दोस्तों। 25 से 25 कट जाएगा दोस्तों, तो B2 का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मैथड टू बहुत अच्छा लगेगा, इस तरीके से आप बहुत सारे सवाल को लगा पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको मेथड वन और टू दोनों में समझ में आ रहा है तो एक तरीका और बताते हैं मेथड थर्ड सवाल को लगाने के लिए, तीसरा वाला तरीका। और देखिए दोस्तों, एक सवाल पे हम आपको जितने तरीके बताते हैं सब तरीकों को आपको सीखना है, क्योंकि हर कोई ना कोई तरीका, कितना भयानक से भयानक सवाल लगेगा, कोई ना कोई तरीका लगा के आप सवाल लगाने योग्य होंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तभी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हम मेथड वन टू थ्री और कुछ भी बताएं आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों साथी। तो हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीखिए, कॉपी किताब उठाइए, पेपर सेट उठाइए, सवालों को लगाइए अधिक से अधिक। जैसे ये चैप्टर चालू किए, इस चैप्टर के सवाल खोज खोज के लगा डालिए, जितना भी आपको मिले सारा लगा डालिए। अब देखिए दोस्तों, मैथड थर्ड क्या है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट सीखना है, एक पॉइंट लिखना है, तो एक पॉइंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें दोस्तों साथी। चाल और समय में विलोमानुपात होता है, चाल और समय में क्या होता है दोस्तों, विलोमानुपात होता है, चाल और समय में विलोमानुपात होता है। इसका मतलब B1 संबंधी अगर B2 दिया गया है, और अगर हमको T1 संबंधी T2 निकालना है तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, T2 संबंधी T1 मिलेगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों साथी, चाल और समय में विलोमानुपात होता है। तो देखिए दोस्तों, अब इस सवाल के अंदर क्या दिया गया, टाइम यहाँ भी दिया गया, टाइम यहाँ भी दिया गया, इसका मतलब है T1 संबंधित T2 का मान दिया गया। T1 का मान कितना है दोस्तों, 20 है, और T2 का मान 25 है। अगर हम B1 संबंधित B2 निकालें तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इधर आपको 25 मिल जाएगा और इधर 20 मिल जाएगा। तो B2 का मान पूछा जा रहा था, तो B2 क्या आ गया दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मैट्रिक थर्ड भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, सवाल को आप मैट्रिक वन से लगाइए, मैट्रिक टू से लगाइए, मैथड थर्ड से लगाइए, कोई भी तरीका लगा के आप सवाल को लगा सकते हैं, आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों साथी। अभी चाहे तो दोस्तों आपको एक दो तरीके और बताएं,
लेकिन बेनिफिट में ज्यादा फायदा नहीं, इन तीन ही तरीकों से ज्यादा सवालों को लगाया जाता है, और ये तीन तरीके इस तरह के सवालों को लगाने के सबसे बेस्ट तरीके हैं। तो हम आगे नहीं चाहते हैं कि और तरीके बताएं, अगर आपको चाहिए तो ये मैट्रिक फोल्ड लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, T1 का मान क्या है और T2, T1 का मान कितना है दोस्तों, T1 का मान आपका 20 और T2 का मान 25 है। ऐसे LCM लेकर भी सवाल को लगाया जा सकता है, ये मैट्रिक फोल्ड होता है। तो जरूरत बस या तो 1 या तो 2 या तो 3 के इस तरह के सवालों को लगाने के लिए, और तीनों तरीके आपको आने चाहिए दोस्तों साथ। ये नहीं कि हमको ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तीनों आने चाहिए। केयरफुल्ली ध्यान से सावधानी पूर्वक एक सवाल पे अध्ययन कर लीजिए, उसको अप्लाई करिए, और जितने भी सवाल आपको मिलते हैं लगाते रहिए दोस्तों साथी। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों इतने सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देखिए दोस्तों, यहीं पे एक पॉइंट और आपको क्लियर करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करते हैं। सवाल मान लीजिए सवाल के अंदर 2 ही चाल दिया गया, अगर 3 चाल दे दिया जाए तब क्या काम करेंगे? अगर 3 चाल दिया रहेगा तब अनुपात कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे पॉइंट वाले चीजों में ध्यान रखिएगा। इसका मतलब मान लीजिए किसी सवाल में B1 संबंध है, B2 संबंध है, B3 का मान दिया गया है, B3 का मान दिया गया, इसका मतलब अब हमको निकालना है T1 संबंध है, T2 संबंध है, T3। अब देखिए दोस्तों, कहीं भी अगर चाल 2 से ज्यादा हो जाएगा, चाल अगर कहीं भी 2 से ज्यादा हो जाएगा, या किसी भी सवाल में आपको अनुपात निकालना है और 2 से ज्यादा व्यक्तियों का अनुपात निकालना है, हमेशा एक बात ध्यान रखना है, अगर ये सवाल के अंदर दिया गया है और ये हमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा? T1 का मान कैसे निकालेंगे? T1 का मान निकालेंगे 1/B1 संबंध है, T2 का मान अगर निकालना है तो 1/B2, अगर T3 का मान निकालना है तब कैसे निकालेंगे? 1/B3। ये ध्यान रखना है, इसका मतलब T1 T2 T3 में अगर आपको संबंध निकालना है तो क्या होगा? 1/B1, T2 बराबर 1/B2 और T3 बराबर 1/B3। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो आप सवाल बहुत अधिक से अधिक बनाने योग्य होंगे। यहीं पे आपको पॉइंट ये भी क्लियर कर दिए हैं, अगर 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं तो उनका अनुपात कैसे निकालते हैं, अगर 2 लोग हैं तो चाल और समय में विलोम अनुपात होगा। तो आप आराम से ऐसे तरीके लगा के सवाल को लगा लेंगे, आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो निश्चित अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा? टाइम निकालना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको तीन तीन तरीके बताएं, जो बेस्ट लगता है उस तरीके से सवाल को लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, B1 का मान 60 दिया गया है और T1 का मान 1 घंटा दिया गया है, तो 1 रख देंगे दोस्तों। अब B2 का मान 40 दिया गया है, 40 रख देंगे, और T2 का मान पूछा जा रहा है तो फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 कटा लेंगे, इसको कटाएंगे तो 2, इसको कटाएंगे 3, इसका मतलब T2 का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 3/2। तो T2 बराबर क्या जाएगा? 1/2 घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर C। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। आप अगर मैट्रिक 1 से लगाना चाहते हैं मैट्रिक 1 से लगाइए, 2 से लगाना चाहते हैं 2 से लगाइए, 3 से लगाना चाहते हैं 3 से लगाइए। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में क्या दिया गया? 1 घंटा यहाँ पे दिया चाल, इसका मतलब B1 संबंध B2 दिया गया। B1 का मान 60 दिया गया और B2 का मान 40 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर 20 से काटते हैं तो 3 संबंध 2 आ जाएगा। T1 संबंध अगर T2 निकालते हैं, T1 संबंध अगर हम T2 निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा? 2 संबंध 3 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2 यूनिट का मान क्या दिया गया है? 2 यूनिट का मान सवाल के अंदर 1 घंटा दिया गया है, क्योंकि जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है वो 1 घंटे का टाइम ले रहे हैं, तो 2 यूनिट बराबर 1 घंटा। अगर हम 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो T2 का मान आ जाएगा, दूसरे 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे दोस्तों, 3 यूनिट बराबर 1/2 × 3, तो काम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1/2 घंटा। तो T2 का मान क्या आया दोस्तों? T2 का मान आ गया है 1/2 घंटा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों या तो सवाल आप मैट्रिक 1 से बना लेंगे या तो आप मैट्रिक 2 से बना लेंगे। अब आपको जो बेस्ट लगता है उस तरीके से सवाल को लगा लीजिए। एक सवाल पे आपको हम बहुत अच्छे से समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, आपको ऑलरेडी आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, ऐसा मत करिए कि सवाल आ रहा है तो वीडियो स्किप करें, बार बार आप वीडियो इनका उनका यहाँ वहाँ पढ़ते रह जाएंगे, कोई बेनिफिट फ़ायदा नहीं होगा आपको। एक ही बार व्यवस्थित हो जाइए, बढ़िया से पढ़िए, एक एक सवाल को अच्छे से एनालिसिस करिए, अध्ययन करिए, तभी आप सफलता के करीब पहुंचेंगे, तभी आप सफलता तक पहुंच पाएंगे। अगर आप सोचेंगे 10 मिनट इनकी वीडियो देखें, 10 मिनट उनकी वीडियो देखें, एक सवाल यहाँ से देखें, 2 सवाल यहाँ से देखें, पहले तो आपको अच्छे से पढ़ाने वाले टीचर यूट्यूब पर मिलेंगे नहीं,
दो सवाल यहाँ का, दो सवाल वहाँ का, ऐसे ही मिलेंगे। तो कोई भी टीचर कहीं भी आप जहाँ भी आप पढ़ते हैं, कोई भी टीचर है, अगर आपको बेस्ट शुरू से लेकर लास्ट तक कंटेंट दे रहा है तो आप एक बार अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। कोई भी हो, जरूरी नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारा ही वीडियो देखिए, आपको जिनका भी वीडियो देखना अच्छा लगता है उनका देखिए। लेकिन ये देखिए हमारे पास किसी राइटर की किताब है कि हम पूरे सवाल लगाने योग्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दो चार सवाल लग रहे हैं या दो चार तरह के, या कैसे हम लगा पा रहे हैं, टाइम लग रहा है कम टाइम लग रहा है, ये सब भी चेक करते रहिए। आप सब अब इतने लायक हो गए हैं कि आप मूल्यांकन खुद ही कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे सवाल हो गया मैसेज आ गए, तरीके आ गए, अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सवालों के अंदर, आप ऐसे ही तरीके से सवाल को बनाने में आपको दिक्कत कठिनाई होगी। इसलिए एक बार व्यवस्थित होकर अच्छे से अध्ययन कर लीजिए दोस्तों साथी, तो आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी बढ़ानी चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हुआ एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। अब देखिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कितनी बढ़ानी चाहिए, इसका मतलब कितना बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि 12 मिनट में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होना चाहिए, कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि वह 12 मिनट में पूरा कर ले, मतलब 12 मिनट में एक चक्कर उसका कंप्लीट हो जाए। तो देखिए दोस्तों B1 का मान क्या दिया गया है, ऐसे देखिए B1 T1 बराबर B2 T2। पहले आपको मैट्रिक्स 1 से बताते हैं। B1 का मान दिया गया 108 और टाइम कितना दिया गया दोस्तों, टाइम दिया गया आपको 15 मिनट, तो 15 ले लीजिए। बराबर B2 का मान नहीं पता है तो B2 और टाइम दिया गया 12 मिनट तो 12। अब देखिए दोस्तों काट देंगे, इससे काटेंगे तो 12 9 108 9 इसका गुणा कर देंगे तो B2 बराबर 15 9 135। इसका मतलब 135 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल थी जब वह 12 मिनट में एक चक्कर को पूरा करती है। लेकिन कह रहा है कितनी बढ़ानी चाहिए, तो 135 में से अगर 108 को घटा देंगे तो उतना बढ़ाना चाहिए, तो 108 को माइनस कर देंगे दोस्तों, तो माइनस कर देंगे क्या मिल जाएगा 27। इसका मतलब 27 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल को बढ़ानी चाहिए। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं तो मैट्रिक 2 का यूज कर लीजिए। मैट्रिक 2 क्या है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, इसका मतलब T1 संबंधित T2 दिया गया है। पहले 15 था बाद में 12 कर दिया, 3 से काट देंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे 5 संबंधित 4 आ जाएगा। इसका मतलब B1 संबंधित अगर हम B2 निकालते हैं तो 4 संबंधित 5 मिलता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 4 यूनिट का मान 108 दिया गया है, 4 यूनिट बराबर 108। अगर हम 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 यूनिट बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 108 बटे 4 इंटू 5 काट देंगे दोस्तों, तो 4 7 इतना बार में कट जाएगा, 27 बार में, और इसका गुणा कर देंगे 35 10 3 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये B2 का मान आया, लेकिन हमको चाहिए क्या, कितनी बढ़ानी चाहिए, 135 में से 108 को हम माइनस कर देंगे तो बढ़ी हुई चाल मिलेगी। तो कितना बढ़ाना चाहिए दोस्तों, तो बढ़ी हुई चाल अगर हम निकालेंगे, बढ़ी हुई चाल तो क्या मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल को बढ़ा देनी चाहिए। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों या तो आप सवाल को मैट्रिक 1 से बना लेंगे या तो मैट्रिक 2 से बना लेंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर जी बहुत तेजी से समझा रहे हैं, आप पहले सवाल को अच्छे से केयरफुली समझ जाइए, उसके बाद आप सवाल आराम से अपने आप लगाइए। हमारा सलूशन मत देखिए, आप खुद ही सवाल को सेट करिए लगाइए, उसके बाद दिक्कत होता है तो फिर सलूशन देखिए लगाइए, नहीं तो एक बार ईमानदारी से पूरा कंप्लीट वीडियो देख जाइए। और देखिए दोस्तों अगर आपके लिए हम थोड़ा सा भी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी दोस्त सहपाठी हैं उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस करें। देखिए दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल से पढ़िए, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर का टाइप टू टाइप हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और कंप्लीट मिलेगा दोस्तों साथी। ऐसा नहीं है कि हम आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उस चैप्टर को जब तक शुरू से लेकर समाप्त नहीं कर देंगे तब तक पढ़ाएंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा।
और ये चार ऑप्शन रखा गया दोस्त साथी, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2020। देखिए दोस्तों एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 का, वो भी एसएससी सीजीएल का है। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को एक बार आप खुद से लगाने की ट्राई करिए, नहीं आता है तो फिर मैं बताता हूँ। तो फिलहाल देखिए दोस्तों इस सवाल को बनाएंगे कैसे या लगाएंगे कैसे। अब देखिए दोस्तों ये जो 25%, ये 25% दिया किया गया है, चाल का मतलब है कि समय का मतलब है। तो देखिए दोस्तों 25% तक कम समय, इसका मतलब ये टाइम जो भी ये शो कर रहा है 25%, ये टाइम को शो कर रहा है। इसका मतलब पहले आप ऐसे सवाल को बनाइए T1 संबंधित T2, इसका मतलब जो भी पहले T का मान रहा होगा पहले वो 100% की स्पीड से चलता होगा तो इतने समय में स्कूल पहुंच गया होगा। इसका मतलब ये 100, अब कह रहा है कि 25% तक कम हो जाए, पहले अगर 100 लेता था तो 25 कम हो जाए, तो अब कितना लेगा दोस्तों 75 लेगा। 25 से काट देंगे दोस्तों 4 और इसको काटेंगे 3, इसका मतलब T1 संबंधित T2 में अनुपात निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 3 संबंधित 4 मिल जाएगा। इसका मतलब है B1 संबंधित अगर हम B2 निकालते हैं तब क्या मिलता है दोस्तों 3 संबंधित 4 मिलता है। पहले किसी की स्पीड तीन थी, अब 4 हो गया तो कितना बढ़ गया दोस्तों, तो कह रहा कितना बढ़ा देनी चाहिए, कितना प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए चाल, इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत अगर हम निकालते हैं दोस्तों, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 3 से 4 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा कितने पे 3 × 100 कर देंगे तो प्रतिशत मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 35 सही, 1/3%, उसको अपनी चाल को बढ़ा देनी चाहिए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। बस आपको इतना छोटा सा पॉइंट यहीं पे पकड़ना है, बहुत दोस्त साथी इसी पॉइंट को नहीं पकड़ पाएंगे तो वो सवाल लगाने योग्य नहीं होंगे। ये 25% जो तक कम कर दे रहा है, ये किस चीज को कम कर रहा है, चाल को कि टाइम को, तो 25% तक कम समय में तय करने के लिए, समय कह रहा है तो टाइम, इसका मतलब पहले वो जो भी स्पीड जितने भी स्पीड से चलता होगा तो पहले 100 रहा होगा उसकी 100%, अब कह रहा है 25 कम कर दे, इसका मतलब अब 75 हो गया, अनुपात बना लेंगे क्या मिल जाएगा 3 संबंधित 4, इसका मतलब अब B1 संबंधित B2 में अनुपात निकालेंगे, ये वृद्धि पहले 3 था अब 4 हो गया, इसका मतलब 1 की वृद्धि हो गई, कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 33 से 1/3% की वृद्धि करनी होगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर B। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों आपको शुरू में बताए हैं जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके को बैठा के पकड़ के चलिए, अब इसी सवाल को आप बेस से लगाइए या किसी और तरीके से लगा के देखिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होगी दोस्तों। अगर आपको कोई और भी बेस्ट से बेस्ट तरीका पता है तो उससे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन आपको जो बता रहे हैं दोस्तों साथी अगर आप उन सब तरीकों का यूज करेंगे और अध्ययन करेंगे मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके पास किसी भी राइटर की कोई भी किताब होगी, आप किताब के अधिक से अधिक सवाल लगाने योग्य होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है, समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी बढ़ानी होगी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है बढ़ानी होगी, इसका मतलब पहले चाल क्या था 72, B1 का मान 72 और B2 का मान कितना, देखिए दोस्तों इस फार्मूले से लगाइए B1 T1 = B2 T2, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो B1 का मान आपका 72 और टाइम कितना लिया है दोस्तों 9 मिनट, आगे B2 का मान नहीं पता है तो B2 फाइंड करना है और टाइम दिया गया 8 मिनट। देखिए इससे ये काट लेंगे दोस्तों तो कितनी बार में 9 बार में B2 का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 81 मिल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि चाल को कितनी बढ़ानी चाहिए, तो पहले 72 था बाद में 81 हो गया तो कितना बढ़ गया 72 घटा देंगे दोस्तों साथी, 72 72 है तो 72 घटा देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 9, इसका मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ाना होगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर B। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे लगा लीजिए। देखिए दोस्तों सवाल के अंदर दिया गया है टाइम दिया गया है, इसका मतलब T1 संबंधित T2 का मान दिया गया है, पहले 9 था अब 8 हो गया, इसका मतलब B1 संबंधित अगर हम B2 निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 8 संबंधित 9 मिल जाएगा। अब 8 यूनिट का मान 72 दिया गया है, नहीं तो डायरेक्ट इसमें किसका गुणा कर दें दोस्तों 72 आ जाए, तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 का गुणा इधर भी कर देंगे दोस्तों, तो 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों 81 मिल जाएगा। पहले चाल 72 था बाद में 81 हो गया तो कितना बढ़ गया दोस्तों तो 9 बढ़ गया, इसका मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाएगी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप या तो सवाल को मेट्रिक 1 से लगा लेंगे या तो मेट्रिक 2 से। और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 में, मतलब आपको जितने सवाल पढ़ा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम के सवाल पढ़ा रहे हैं, आपको टाइप टू टाइप पढ़ा रहे हैं,
ऐसा नहीं एक सवाल यहाँ का, एक सवाल वहाँ का, एक सवाल वहाँ का, ऐसा नहीं, आपको एकदम बहुत अच्छे रूल तरीके से पढ़ाते हैं। हम आपको जैसे पढ़ा रहे हैं बस आप एक बार ईमानदारी से पूरा कंटिन्यूटी देख चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन भर आप टिक टॉक या मोबाइल चलाते रहिए लेकिन जो काम की चीज़ें हैं उसको कर ही ना पाए, ऐसा मत करिए दोस्तों साथी। जिंदगी बहुत ही कीमती है, अगर जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार चीज़ों को अच्छे, कोई भी चीज़ करिए, कोई भी काम करिए, चीज़ों को आप अच्छे से व्यवस्थित करना सीखिए तो लाइफ ऑटोमेटिक अच्छे रास्ते पे चलने लगेगी। अगर नहीं व्यवस्थित करेंगे तो आपकी लाइफ है, आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों साहब। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वही दूरी वह वापसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो एक तरफ की दूरी किलोमीटर में क्या होगी। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है कहीं भी जा रहा है, मान लीजिए ये दूरी है, ये क्या है डिस्टेंस, दूरी है कुछ भी है। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर व्यक्ति यहाँ तक आया फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो एक मतलब कह रहा है कि एक तरफ की दूरी ज्ञात करिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की यही डी का मान निकालना है तो दूरी ज्ञात हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, पहले वो किस चाल से गया है, तो पहले वो गया है 50, इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब देखिए दोस्तों, टाइम तो अब दूरी मान ली है क्या दोस्तों, दूरी माने हैं यक्स, इसका मतलब यक्स बटे चाल क्या है दोस्तों, समय बराबर। देखिए दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है समय बराबर। तो दूरी आपको क्या दिया गया, डी मान ली है और चाल आपको 50 है, तो 50 प्लस बाद में क्या किया है, बाद में 5, बाद दूरी तो सेम है और चाल बाद में 5 है तो 5 इक्वल कितना आना चाहिए दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट। किसका मतलब 5 घंटे 30 का मतलब 5.5 घंटे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 50 बनेगा, इसका भाग लगाएंगे 1 बार में तो डी, अब प्लस इसका लगाएंगे तो 10 बार में तो 10 डी, बराबर कितना आना चाहिए 5.5। अब ये इधर आके गुणा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 11 डी बराबर। अब देखिए दोस्तों, ये 0 इस दशमलव को गायब कर देगा, नहीं तो एक बार लाइन बढ़ा देते हैं। अब ये 0 गायब करेंगे तो ये दशमलव गायब होगा, इससे काट देंगे दोस्तों तो 5 बार में तो डी का मान क्या मिल जाएगा, 25 किलोमीटर। तो दूरी क्या मिलेगी दोस्तों, तो दूरी डी माने हैं तो डी का मान 25 आया। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए हैं। अगर आप मेथड 1 से नहीं लगा पाते हैं तो आप मेथड 2 पकड़िए, मेथड 2 से बहुत सारे सवाल आपको लगाते हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर क्या दिया गया, चाल दिया गया, इसका मतलब B1 संबंधित B2 दोनों बार चाल दिया गया। पहले B1 का मान 50, B2 का मान 5, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10 संबंधित 1। अब देखिए दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11। 11 यूनिट का मान क्या दिया गया दोस्तों साथी, 11 यूनिट बराबर दिया गया है 5.5 घंटा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 5.5 घंटा 30 मिनट का समय लगा है। इसका मतलब T1 और T2 को दोनों, देखिए दोस्तों T1 संबंधे अगर हम T2 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 संबंधे 10 मिल जाएगा। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे 11 यूनिट का मान क्या दिया गया, 5.5 दिया गया। अब अगर आप 1 यूनिट का मान निकालें तो 1 निकाल लीजिए, अगर आपको 10 यूनिट का मान निकालना है 10 निकाल लीजिए। तो हम देखिए दोस्तों, अगर 10 यूनिट का मान निकालते हैं तो 10 यूनिट बराबर तो क्या मिल जाएगा, इतना बटे 11 अगुड़े 10। अब देखिए दोस्तों, एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव गायब कर देंगे, 1 0 गायब होगा, दशमलव गायब होगा, इससे काट देंगे तो 11 5 55 हाँ। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब T2 का मान क्या आया, T2 का मान आ गया 5 घंटा, T2 का मान 5 घंटा आ गया। अब हमको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए T2 का मान है 5 घंटा और चाल B2 का मान कितना है 5, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल आपका 5 है और टाइम आपका 5, तो गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी निकालेंगे तो 25 किलोमीटर आ जाएगा। या तो आप सवाल को मैट्रिक 1 से बना लीजिए या तो मैट्रिक 2 से बनाइए, आपको जो बेस्ट लगता है दोस्तों उस तरीके से आप सवाल बनाइए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने स्कूल गया और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल से वापस घर आए। यदि पूरे सफर के लिए उसे 50 मिनट लिए हो तो वह कुल कितनी दूरी चला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में पूछा गया है तो वह कुल कितनी दूरी चला, इसका मतलब कुल निकालना। वो मान लीजिए घर है और ये स्कूल है, मान लीजिए लड़के का घर हो गया और ये लड़के का स्कूल हो गया,
लड़का जब घर से स्कूल आया और स्कूल से घर गया, कुल दूरी ज्ञात करना है। इसका मतलब डी तो रहा होगा, इधर से डिस्टेंस दिख भी रहा होगा, इधर से भी डी रहा होगा। इसका मतलब डी का मान जो आएगा उसमें दो का गुणा कर देंगे तो कुल दूरी मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहले चाल कितना था, इतना था, तो दूरी डी चाल क्या था, 12 प्लस बाद में वापस आया 8। इसका मतलब डी 8 बराबर कुल कितना समय लिया, 50 मिनट लिया, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 50/60 जीरो जीरो कटा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 24 मिल जाएगा, इसका भाग लगाएंगे दो बार में तो 2d प्लस 3d, और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5/6। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे 5d और ये 6 जाके गुणा हो जाएगा, तो 5d और 6 में अगर हम गुणा, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए दोस्तों, 5d × 6, नहीं तो यहाँ 6 से 24 को काट सकते हैं, लेकिन चलिए अगर आप गुणा कर दिए तो गुणा कर लेते हैं, और इधर कर लेंगे 5 × 24। अब देखिए दोस्तों, 6 से काट देंगे, 6 × 24, 5 से 5 काट देंगे, तो डी का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा, 4 किलोमीटर। लेकिन 4 किलोमीटर आंसर नहीं होगा, सवाल में पूछा गया कुल दूरी, तो कुल दूरी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो 1 बार 4 तो 1 बार 4, तो कुल दूरी निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, कुल दूरी आपको मिल जाएगा 8 किलोमीटर। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गएंगे। अगर आप ऐसे नहीं लगा पाते हैं तो मैट्रिक 2 अप्लाई करिए। दूसरा वाला तरीका, क्या चाल दिया गया, B1 संबंधी B2 का मान दिया गया, पहले चाल 12 था, बाद में 8 हो गया, काट देंगे 4 से 3 और 2 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, T1 संबंधी अगर हम T2 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 2 संबंधी 3। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5 यूनिट का मान सवाल के अंदर दे दिया गया है, 50 मिनट, तो 50 को घंटे में अगर हम बदलते हैं तो 50/60 मिल जाएगा। अब इसमें से एक का मान निकाल लीजिए किसी का, तो 1 0 0 कटा लेंगे तो ये बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 2 यूनिट का मान निकालते हैं तो 2 यूनिट का मान क्या मिलेगा, 2 यूनिट बराबर 5/6 × 2/5, 5 से 5 काट देंगे, यहाँ पे अब लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, इससे काटेंगे तो 1/3 मिल जाएगा, 1/3 घंटा। तो पूछा क्या, सवाल के अंदर पूछा क्या दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर 4 × समय। अब देखिए ये T1 का मान निकालने हैं, इसका मतलब टाइम क्या था, चाल आपकी थी ये, तो दूरी बराबर 4 × समय, चाल आपका ये है और समय 1/3 है, तो 1/3 रख देंगे, काटेंगे तो D का मान क्या मिल जाएगा, 4 किलोमीटर। लेकिन सवाल में पूछा गया कुल दूरी, इसका मतलब 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ भी 4, तो कुल दूरी 8 किलोमीटर, तो कुल दूरी निकाल लेंगे 8 किलोमीटर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त या तो आप सवाल मैट्रिक 1 से लगा लेंगे, नहीं तो आप मैट्रिक 2 से लगाएंगे, आपको जो बेस्ट लगता है उस तरीके से आप सवालों को लगाइए। तो देखिए दोस्तों, आज बस इतना ही रहने देते हैं, जल्दी से नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों साथ ही। और आपके जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, आपके जो भी सहपाठी हैं या आपके पार्टनर हैं या आपके भाई बहन हैं, जो भी तैयारी करते हैं, उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस करिए दोस्तों, इससे हमको बहुत खुशी मिलेगी। और देखिए दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि A to Z जितने भी सवाल होते हैं, ऑल टू ऑल सारे सवाल कराएंगे और ऑल टू ऑल एग्जाम के ही सवाल कराएंगे। अगर आप मेहनत से अगर हमारी आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप खुद कोई वीडियो कोई भी किस मतलब कोई भी पार्ट हमारा देख कर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तभी पढ़िए, ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, आप कहीं भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से पढ़िए। मेरी कामनाएं हैं कि आपकी सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, और अगर तभी ये संभव है दोस्त साथ ही, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे। अब आप खुद ही जानते हैं कि आपको मेहनत कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम नहीं पढ़ना है, मोबाइल में कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना है, किस चीज़ पर मोबाइल में समय देना है, किस पर नहीं देना है, आप जानकार हैं दोस्तों, ज़्यादा हम नहीं कहेंगे इसके बारे में, आप सब खुद। लेकिन एक बात जरूर बताएंगे दोस्तों, अगर कोई भी पढ़ने वाले छात्र हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से उनको पढ़ने के लिए एडवाइस करें, मैं भी सवाल दिलाता हूँ उनको, उस चैप्टर में दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम हाल के जो भी सवाल आएंगे, अगर वो चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक कम्प्लीट देख ही रहे होंगे और कोई कॉपी बना कर लिखे रहेंगे तो गारंटी देते हैं।